गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, जो कि आप हेडिंग से समझ ही गए होंगे। अब देखो, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपन किसके लिए? वायलरी ट्रैक्ट के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन भी किसके लिए कर रहे हैं? वायलरी ट्रैक्ट के लिए। अब इस इन्वेस्टिगेशन में अपन पढ़ेंगे कि ये कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्या पेशेंट की प्रिपरेशन होती है, क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब इसका पहचान पत्र देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। कोलेंजियोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ वायलरी ट्रैक्ट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखो ये क्या है, एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है किसकी? वायलरी ट्रैक्ट की। इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ किस चीज की है? बाइलरी ट्रैक की। किसके द्वारा कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट के द्वारा। सॉरी, विच इज डन बाय इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट विच इज डन बाय कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये क्या है कि बाइलरी ट्रैक्ट की एक एग्जामिनेशन है जिसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। द प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी डन बिफोर द कोलेसिस्टेक्टोमी, जो कि अपन ने कल पढ़ी थी, ठीक है। फॉर सस्पेक्टेड गॉल ब्लैडर स्टोन, कॉमन वाइल्ड डक्ट, ठीक है, कॉमन वाइल्ड डक्ट स्टोन ETC, इनके लिए अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फर्स्ट तो रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है, सेकंड इट इज यूजफुल फॉर इवेल्युएट द मल्टीपल पैथोलॉजी ऑफ वायलरी ट्रैक्ट लाइक इट इज यूजफुल फॉर एवेल्युएट द मल्टीपल पैथोलॉजी ऑफ वायलरी ट्रैक्ट लाइकली जीवी स्टोन सीवीडी स्टोन नियोप्लाज्म ETC। देखिए किसके लिए करते हैं? बाइलरी ट्रैक्ट के लिए करते हैं। और वो किन के कुछ ऐसी मल्टीपल पैथोलॉजीज हैं जैसे कि जीबी में स्टोन हुआ, ठीक है, नियोप्लाज्म हुआ या फिर सीवीडी में स्टोन हुआ, इनके या फिर इनके अगर कोई अदर पैथोलॉजी है इनसे कनेक्टेड है तो उनके लिए अपन ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कब? ऑपरेशन से पहले, ठीक है। द कोलेंजियोग्राफी इज डन टू विजुलाइज द वायलरी ट्रैक्ट व्हेन द ओरल मेथड वाज फेल्ड, ओके। किस वजह से? ड्यू टू द पुअर इंटेस्टाइनल ऑब्जर्प्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ओरल कोलेसिस्टोग्राफी अपन जब करते हैं तो उसमें होता क्या है, पिल्स जाती है,
पिल्स इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन क्या करेगी ऑब्जर्व करेगी कॉन्ट्रास्ट को, फिर उसके बाद लीवर तक जाती है। लेकिन जब हो सकता है किसी पेशेंट की इंटेस्टाइन ने उसको ऑब्जर्व कम किया हो कॉन्ट्रास्ट, और कम कॉन्ट्रास्ट लीवर ने सिक्रेट किया हो, और वह जीबी में कम अमाउंट में पहुंचा हो, तो उससे से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन अपनी वो नहीं हो पाई, उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, यह एग्जामिनेशन करते हैं। आ गया समझ में? ओके, ये तो बात होगी किसकी, इसके इंट्रोडक्शन की। क्या देखा अपन इसमें, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है बायलेटरल की, और किसके लिए करते हैं, सीबीडी स्टोन, जीबी स्टोन या नियोप्लाज्म ईटीसी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, उनके लिए करते हैं, और किसके हेल्प से करते हैं, बाय द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन की बात करते हैं, तो देखो कौन कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं इसमें, कब कब ये अपन करते हैं। सस्पेक्टेड कोलेलिथियासिस, अगर कोलेलिथियासिस सस्पेक्टेड कर रहे हैं तो, अब कोलेलिथियासिस मींस, कोलेलिथियासिस के मतलब जीबी के अंदर कैलकुलस होना, सस्पेक्टेड कोलेलिथियासिस। ओके, कोलेलिथियासिस के लिए सस्पेक्टेड नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म मींस, नियोप्लाज्म का मतलब है कि कोई एबनॉर्मल कैंसर की ग्रोथ होना, ठीक है, कैंसर सेल्स का ग्रोथ होना, डेवलप होना, तो उसको क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म। नेक्स्ट, सस्पेक्टेड बाइलरी ट्रैक्ट स्टेनोसिस, सस्पेक्टेड बाइलरी ट्रैक्ट स्टेनोसिस, अगर बाइलरी ट्रैक्ट में कहीं स्टेनोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अभी अपन ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कि जब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी क्या हो जाती है, अपनी फेल्ड हो जाती है, तो अभी अपन ये करते हैं। आ गया समझ में? तो ये क्या अपने इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट देखते हैं अपन, हाइपर सेंसिटिविटी टू द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो सकती है उसे, ठीक है, तो उस स्थिति में ये अपन नहीं करते। और क्या, अगर पेशेंट के प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अभी अपन ये नहीं करते, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, तो अभी अपन ये नहीं करेंगे। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ये एग्जाम अवॉइड करते हैं, ये एग्जामिनेशन नहीं करते, ठीक है, एक ये हो गया। और किसके लिए करते हैं, और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है इसका, हिपेटोसेलुलर डिजीज मींस, अगर लीवर में कोई कैंसर है ऑलरेडी पहले से, तो अभी अपन नहीं करेंगे, हिपेटो सेलुलर डिजीज, ठीक है, तो इसके लिए भी अपन ये नहीं करते। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इनमें से अगर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन को मिलता है तो ये एग्जामिनेशन अपन नहीं करते हैं। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये अपन नहीं करते हैं इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस में। और क्या हो सकता है, रीनल इंपेयरमेंट,
ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब इसमें अगला पॉइंट क्या आएगा अपना, इक्विपमेंट। अब देखो कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। फर्स्ट इज फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस, पहली तो ये चाहिए अपन को। सेकंड और क्या चाहिए अपन को इसमें, अब अपन को आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए इसमें। जो कॉन्ट्रास्ट अपन देंगे ना वो आयोडिनेटेड होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट दो तरीके के होते हैं, नॉन आयोडिनेटेड एंड आयोडिनेटेड। तो अपन को इसमें कौन सा चाहिए, आयोडिनेटेड। आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए, और क्या चाहिए, अब एक अपन को आईवी सेट चाहिए। क्या चाहिए, आईवी सेट। अब आईवी सेट क्या होता है, आईवी सेट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें आगे एक नीडल कनेक्टेड होती है, जिसको आर्म में वेन में इंसर्ट किया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है, जिसके थ्रू अपन कोई भी चीज बॉडी के इंसर्ट थ्रू द वेन डाल सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ गए, आपने देखो होगा पेशेंटों के ड्रिप जो लगना है ना, उसमें आईवी सेट काम आता है। तो आईवी सेट चाहिए, और क्या चाहिए अपन को देखो, और अपन को चाहिए सिरिंज, गोज और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सिरिंज, गोज और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ये चाहिए। अब देखो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट से तो अपन क्या करेंगे, फिल्में लेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, आईवी सेट के थ्रू करेंगे, और सिरिंज चाहिए डालने के लिए, गोज चाहिए साफ करने के लिए, ठीक है, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए स्किन को लगाने के लिए, स्किन पे लगा के फिर तो साफ करोगे ना आप गोश से, तो ये सारी चीज चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बाहर गए वो वॉश मशीन में कपड़ा भिजोया बोले कर दिया साफ, ठीक, ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या चाहिए अपन को, इक्विपमेंट्स अपने पास चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन इसमें पेशेंट की प्रिपेरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है। पेशेंट को दो दिन पहले, एग्जाम से दो दिन पहले फैट फ्री डाइट के लिए एडवाइस करना है, फैट फ्री डाइट। बिफोर 2 days ago of examination, एग्जाम से दो दिन पहले क्या करना है, फैट फ्री डाइट के लिए एडवाइस करना है कि आपको ऐसा खाना नहीं खाना भाई जिसमें फैट हो, ठीक है, या फिर मिनिमम फैट वाला आप खा सकते हो जिसमें बहुत कम फैट हो, लेकिन मैक्सिमम फैट का आप नहीं खा सकते, उसको ये समझाना है, ठीक है। क्यों, मैंने बताया था आपको, जैसे ही पेशेंट फैट खाएगा जीबी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए अपन को क्या करना है, उसको एडवाइस करना है कि आप
फैट फ्री डाइट लीजिए, कब तक? एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है। एग्जाम के बाद तो भले खूब दबा के खाओ भाई, किसी को होता है ना कि नहीं मैं घी के बिना नहीं रह सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता घी और मैं ना खाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बता दूं घी बहुत ज्यादा बेकार है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हार्ट अटैक से मरते हैं बंदे, ठीक है। और क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको एग्जाम से कुछ टाइम पहले, लगभग 6 से 7 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। यानी कि फास्टिंग सिचुएशन में रहना है, क्या बोलना है पेशेंट को कि भाई एग्जाम से 6 से 8 घंटे के पहले आपको कुछ नहीं खाना है, कंप्लीटली फास्टिंग कंडीशन में रहना है, ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, आपको फास्ट रखना है, ठीक है। तो ये पेशेंट को बोलना है, नहीं पानी भी नहीं पीना। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि और क्या करना है। देखो इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेना जरूरी है। जैसे कि उसकी पुरानी रिपोर्टें चेक करो, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, आरएफटी, एलएफटी, ठीक है, इनका देखना है कि सब कुछ नॉर्मल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्या प्रोसेसर, प्रोसेसर में क्या करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, पूरी प्रोसेस समझानी है, डिस्क्राइब होल प्रोसेस टू द पेशेंट, पेशेंट को पूरी प्रोसेस समझानी है। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कंसेंट साइन कराना है, साइन कंसेंट, कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म साइन करा लिया। कंसेंट फॉर्म साइन कराने के बाद में क्या करेंगे, पेशेंट से अपने कपड़े उतारकर हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो वियर हॉस्पिटल गाउन, हॉस्पिटल गाउन पहना दिया। हॉस्पिटल गाउन पहनाने के बाद में पेशेंट को अब अपन कहाँ ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन रूम में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी आर्म पे क्या फिक्स करते हैं अपन, जो आईवी सेट अपन ने लिया था वो आर्म पे फिक्स कर दिया आईवी सेट, आईवी सेट फिक्स कर दिया। आईवी सेट फिक्स करने के बाद में आपने क्या किया, उस आईवी सेट में, सॉरी उस आईवी सेट के थ्रू धीरे धीरे बहुत कम स्पीड में कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंसर्ट किया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर दिया। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करने के बाद में आप क्या करते हैं, अब रेडियोग्राफ्स लेनी है, यानी फोटो लेनी है, यानी कि फिल्में लेनी है। कब लेनी है, जब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगभग कितनी देर बाद में, 4 घंटे बाद में, जब इंसर्ट हो जाएगा लगभग 4 घंटे बाद में,
क्या लेनी है अपन को, फिल्में लेनी है। फिल्म कौन कौन सी लेनी है अब ये भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया, अब 4 घंटे बाद में आपने उसकी फिल्म लेनी है। कौन कौन सी? पहली तो लेनी है RPO, मीन्स राइट पोस्टेरियो ओब्लिक। सेकंड लेनी है LPO, यानी कि सॉरी LAO, लाइट सॉरी लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। फर्स्ट कौन सी हो गई? RPO, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक। सेकंड कौन सी हो गई? LAO, यानी कि राइट एंटीरियर ओब्लिक। और कौन सी लेंगे? और अपन लेंगे राइट लेटरल डेक्यूबिटस, राइट लेटरल डेक्यूबिटस ओब्लिक पोजीशन में। क्यों लेंगे? कि इससे जो वर्टिब्रा है वो सेपरेट हो जाएगी, दूर हो जाएगी जीवी से, ठीक है? तो इसकी वजह से एक पोजीशन मोर लेंगे, राइट लेटरल डेक्यूबिटस ओब्लिक, राइट लेटरल डेक्यूबिटस ओब्लिक। इस पोजीशन में क्या होता है? वर्टिब्रा जो है साइड में हो जाती है, ठीक है, सेपरेट दिखाई देती है इससे। तो ये कुछ पोजीशन में अपन पेशेंट को लगा के और फिल्मिंग करते हैं। फिल्मिंग करने के बाद में ये हो गई अपनी एग्जाम कंप्लीट। एग्जाम कंप्लीट हो गई तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर द एग्जामिनेशन द पेशेंट में एक्सपीरियंस क्रम्पिंग इन स्टोमक, ठीक है, एंड माइल्ड स्किन रेसेस। पेशेंट के स्टोमक में क्रम्पिंग फील कर सकता है पेशेंट, और दूसरा स्किन रेसेस हो सकता है। पेशेंट में फील क्रम्पिंग इन स्टोमक एंड माइल्ड स्किन रेसेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के हो सकता है, लेकिन अपन को एग्जाम के बाद में ध्यान कर क्या रखना है इस चीज का, वो भी देख लेते हैं। यानी कि आफ्टर केयर, आफ्टर केयर क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या सजेस्ट करना है कि वह ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि बॉडी कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सके, इलिमिनेट कर सके। आप द पेशेंट टू ड्रिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इससे क्या होगा? जो कॉन्ट्रास्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बात की अपन ने पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।